हेलो व्हाट्सअप गाइज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे फाइनली डेटा अपडेटेड हो जाएगा। पहले वीडियो में इसके पीछे मैं बताया था कैसे डेटा को फेच कराते हैं, और ये बोला था कि अपडेट का थोड़ा लंबा जाएगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक आज भी बने रहना, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ उसको कि पहले मैं क्या कहता था, पहले URL रिडायरेक्ट किया था मैं पर्टिकुलर आईडी के लिए। अब मैं इसको फेच कराया था इसके पिछले वीडियो में, और अब मैं कराने वाला हूँ इसको अपडेट। तो कैसे अपडेट होगा वीडियो के लास्ट तक बन रहना। अपडेट होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो जरूर से जरूर देखना इसको पूरी तरीके से, ठीक है? तो कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपना लिख देता हूँ, ये मेरा क्या चीज का है अपडेट का। ये हमने लिख दिया अपडेट, एंड इसको मैं करता हूँ कॉमेंट आउट, क्लियर। ये मेरा कॉमेंट हो गया। अब अपडेट के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं बेसिक PHP का लिखूंगा अपना। यहाँ लिख दिया मैंने बेसिक PHP का अपना सिंटेक्स, एंड देन यहाँ मैं शुरू करता हूँ कोड लिखना। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे करना होगा इफ सेट लगाना होगा। तो चलिए इफ सेट लगाते हैं। तो इफ सेट के लिए देन यहाँ पर मुझे, और यहाँ लिखता हूँ मैं डॉलर _, ठीक है, पोस्ट। अब यहां पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है अपडेट। अब ये अपडेट है क्या, ये अपडेट मैंने जो आईडी लिया था, पार्टिकुलर आईडी लिया था अपडेट बटन के लिए, नेम एंड आईडी, वही मेरा यहाँ पर अपडेट है। तो इसको मैं करता हूँ, अब बाकी का कोड मैं लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ मैंने डाला कर्ली ब्रेसेस, एंड देन मुझे अब यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, डॉलर फुल नेम, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया फुल नेम इक्वल टू, मुझे यहाँ देन डालना होगा डॉलर _ पोस्ट। तो यहाँ मैंने कर दी यहाँ पर पोस्ट, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट सेमी कलन से क्लोज, एंड देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, सॉरी सिंगल सिंगल कोट, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इसे लिखना है। तो कॉपी किया मैंने यहाँ, इसको पेस्ट किया, देन अगेन पेस्ट, देन अगेन पेस्ट, ठीक है। अब मैं यह चाहता हूँ मेरा यहाँ क्या हो, यह मेरा फुल नेम हो, तो यहाँ मैंने फुल नेम रख दिया। देन यहाँ मैं चाहता हूँ मेरा यूजर नेम हो सेकंड वाला, तो सेकंड मेरा यूजर नेम, ठीक है। देन मुझे क्या मिले यहाँ पर, पासवर्ड, तो यहाँ मैंने लिख दिया पासवर्ड, सॉरी मेरा ईमेल होगा थर्ड में, ये मेरा ईमेल हो गया। एंड देन मुझे यहाँ मिलेगा पासवर्ड, तो इसी तरह यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ फुल नेम के जगह मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड, देन यहाँ पर मेरा हो जाएगा ईमेल, देन यहाँ पर मेरा हो जाएगा यूजर नेम, ठीक है। तो स्पेल को करेक्ट रखना है, यहाँ पर एक भी स्पेल मिस्टेक हुआ तो क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो फुल नेम हो गया फुल नेम, यूजर नेम यूजर नेम, ईमेल ईमेल, एंड पासवर्ड। तो एक और बात सोचने वाला है कि आखिर हम डेटा अपडेट कहाँ से करने वाले। तो मैं डेटा अपडेट करने वाला हूँ टेबल के आईडी से, क्लियर। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये मेरा टेबल है यूजर्स, और ये मेरा पार्टिकुलर डेटा के लिए एक सेपरेट आईडी है, क्या है, जो हमेशा डिफरेंट होगा बाकी सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अपडेट डबल कोट यहाँ पर अपडेट। अब ये कैप्स में लिखना है आपको अपडेट, ठीक है ना, अपडेट। अब कहाँ से मुझे करना है, यूजर्स में टेबल को अपडेट करना है सेट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे करना है फुल नेम अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा फुल नेम, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना यूजर नेम अपडेट करना है, तो यूजर नेम मैंने लिख दिया। देन मुझे क्या करना है, ईमेल अपडेट करना है, तो ईमेल, एंड देन मुझे पासवर्ड भी अपडेट करना है, EWSWRD, ठीक है, पासवर्ड भी अपडेट करना है। और वो करना कहाँ से है, तो मुझे करना है आईडी से, यूजर्स के आईडी से क्या करना है मुझे अपडेट करना है। तो पासवर्ड मुझे यहाँ लिख दिया मैंने आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, आईडी आपका यहाँ इंटीजर के फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ पर डबल या सिंगल कोट नहीं डाल रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ मेरा फुल नेम क्या है, मेरा फुल नेम है वेरिएबल के लिए मैं यहाँ डॉलर साइन लेता हूँ, सिंगल कोट में यहाँ लिखूंगा मैं डॉलर फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने फुल नेम लिख दिया, एंड देन मैं यहाँ फिर से यूजर नेम लूंगा, तो इक्वल टू यहाँ सिंगल कोट यूजर नेम, ठीक है, ये रहेगा आपका डॉलर में, वरना अपडेट नहीं हो पाएगा, वेरिएबल मैंने इसको डाल दिया।
ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपका क्या होगा, ईमेल होगा। तो लीजिए मैं आपकी डॉलर ईमेल, ठीक है, एंड देन मेरा पासवर्ड भी होगा क्या वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये लीजिए मैंने इसको डाल दिया डॉलर पासवर्ड। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? तो मैंने क्या किया अपडेट करने के लिए, अब इसको मैं क्या करा दूंगा, क्या क्वेरी करा दूंगा। तो क्वेरी के लिए क्या करना होगा, डॉलर क्वेरी इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको करा दूंगा फायर, तो फायर के लिए डॉलर फायर, उसके बाद MySQLi क्वेरी, MySQLi क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा डॉलर क्वेरी, क्लियर। और इसको करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिले कि मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा इफ फायर, अगर मेरा डेटा अपडेट हो जाता है तो मुझे कोई मैसेज मिल जाए डिस्प्ले हो करके, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ फायर एको डेटा अपडेटेड, क्लियर। तो यहां तक तो क्लियर आपको, और इसे मैं करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। यहाँ आपको डेटा भी अपडेट होकर मिलेगा, फिर भी आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और अपडेट करके देखते हैं क्या मेरा डेटा अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रवि कुमार दो बार हो गया है, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब सानू मनोहरम है, ठीक है ना, इसको भी मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जितने डेटा यहाँ पर है उतने डेटा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब सानू मनोहरम को, मनोहरन को मैं करने वाला हूँ अपडेट। सानू मनोहरन पर मैंने क्लिक किया, ये मुझे डेटा यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ सानू एम, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं सानू पी, एंड देन यहाँ पर सानू एम पी कर देता हूँ, देन यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, एंड देन अपडेट, डाटा अपडेटेड यहाँ मैसेज मिल गया मुझे। अब यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या डेटा मेरा अपडेट हो चुका है। तो देखिए मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से आपको मैं बता दूं। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म के लिए आपको यहाँ टाइप करना होगा MD5, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आज बता दे रहा हूँ। और एक और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा डेटा अपडेट हो जाए तो मुझे क्या हो, index.php पर मिले अपडेट हो। अब जैसे कि यहाँ पर आपका डेटा तो अपडेट हो गया था, देखिए यहाँ पर आपका डेटा अपडेट हो गया था, लेकिन वो क्या था, update.php पर ही था। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से वो index.php पर मिल जाए और मुझे डेटा अपडेटेड वहां पर दिखे, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, पहले तो यहाँ आपको दिखा दूं index.php, यहाँ आपका डेटा अपडेट हो गया कि नहीं आप देख लीजिए। index.php देखिए सानू एम हो चुका है, सानू पी सानू एम पी @gmail.com, यहाँ भी आपका सानू एम सानू पी एंड सानू एम पी @gmail.com। और डेटा आपका ये क्या है, पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं, तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड के लिए मैं अब कर दे रहा हूँ MD5 कर दिया, तो वो इनक्रिप्टेड होगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या हो, मेरा डेटा अपडेट होने के बाद मुझे index.php पर मिले, तो अब इसका जरूरत नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक कोड क्या होगा, वो हेडर, क्लियर, हेडर देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा डबल कोट डाल करके लोकेशन, ठीक है, लोकेशन index.php, अब पाथ डाल दूंगा जिस जहां पर मुझे चाहिए हो। तो यहां पर मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि क्या होता है, सेव मैंने कर दिया इसे, सेव करने के बाद चलते हैं इंडेक्स डॉट, यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं सानू बेम को फिर से क्या करना चाहता हूँ, फिर से अपडेट करना चाहता हूँ। तो अपडेट किया मैं सानू मनोरन, सानूब सानू लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ईमेल मैं डाल देता हूँ सिर्फ sanu@gmail.com, एंड पासवर्ड कुछ ईमेल देता हूँ रैंडम, देखिए इतना ही पासवर्ड है लेकिन वो अब इनक्रिप्टेड फॉर्म मिलेगा। तो इसको मैंने किया अपडेट, तो देखिए मेरा इंडेक्स डॉट पेज पर मिल गया। सानू को मनोरन किया था, सानू एमपी था पहले, तो सानू एम मरोनन हो गया, सानू हो गया sanu@gmail.com। तो ये आपको अपडेटेड मिल गया। और यहाँ देख लेते हैं कि आप पासवर्ड आपको इनक्रिप्टेड मिला है कि नहीं, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आपको पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल चुका है। तो यहाँ तक तो आपको अपडेट तक आपको मैं बता दिया, तो अपडेट का आज खत्म हुआ। अगले में बताऊंगा कि एडिट एंड डिलीट वाला, डिलीट तो हो चुका है आपका, और आगे मैं बताने वाला हूँ कि आगे क्या करना है कैसे करना है। तो वीडियो को अभी देखते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, अभी इसका लेक्चर और आगे जाने वाला है क्रड ऑपरेशन का।
और आपके प्रैक्टिस के लिए एक बार अगर कहें तो एक बार और यहाँ पर अपडेट करके दिखा दूँ कि कैसे डेटा एंट्री होगा इसमें, फिर डिलीट होगा, अपडेट होगा, जो भी हो। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कुछ भी, मुकेश कुमार लेने ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया मैंने मुकेश, यहाँ ले लेता हूँ मैं mukesh@gmail.com, यहाँ रैंडम कुछ पासवर्ड ले लिया मैंने, इसको मैंने किया साइनअप, यहाँ मुझे मुकेश कुमार फिर से मिल गया, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि डिलीट करूँ, तो लीजिए मैंने इसको फिर से डिलीट कर दिया, तो सारा काम कर रहा है, डिलीट अपडेट यहाँ तक कंप्लीट है। कोड आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए और आपको वहां पर आपको मिल जाएगा सारा कोड वगैरह। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।